हाय, दिस इज लक्ष्मी। आज मैं आपको स्क्रिप्ट टास्क बारे में बताती हूँ। पहले स्क्रिप्ट टास्क क्या करते हैं, मतलब कहीं भी हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस का SSIS में काम नहीं करते हैं, तब ये स्क्रिप्ट टास्क में कुछ कोड्स सब लिखकर हमें ये टास्क पूरा करेंगे। पहले ये स्क्रिप्ट टास्क को मैं एक न्यू SSIS पैकेज लिया है और उसको स्क्रिप्ट टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, और उसके बाद में एक नया वेरिएबल्स है जो उसमें एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हूँ, स्क्रिप्ट वेरिएबल। यहाँ मैं ये स्क्रिप्ट वेरिएबल तो ये ए इंटी स्ट्रिंग का है और वैल्यू मैं दे रही हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं क्या कर रही हूँ, ये हेलो वर्ल्ड जो स्क्रिप्ट वेरिएबल है वो हमको मैसेज बॉक्स में पॉपअप हो जाएगा, तो जब ये स्क्रिप्ट टास्क एग्जीक्यूट करेगा तो अभी ये वेरिएबल हम कैसे कैसे वो स्क्रिप्ट टास्क में लेकर वो कोडिंग कैसे करते हैं वो आज मैं आपको बताती हूँ। यहाँ फिर विजुअल बेसिक्स और VB और C#.NET का इस्तेमाल करते हैं यहाँ, तो SSIS डेवलपर को थोड़ा ये कोडिंग के बारे में भी पता चलना पड़ेगा। तो अभी यहाँ हमें कुछ रीड ओनली वेरिएबल्स और री राइट वेरिएबल्स है। अभी ये मैं ये री राइट वेरिएबल्स में जो हमें पास किया है वेरिएबल्स वो हमें चेक करना है और ओके करना है, तो ऐसा हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ कोड के लिए हमें ये एडिट स्क्रिप्ट का बटन क्लिक किया तो वो एडिट स्क्रिप्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें जो जो लिखना है, जो कोड करना है, वो सब वहाँ अंदर लिखना पड़ेगा। तो अभी ये बेसिक एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मैं यहाँ दे रही हूँ, मतलब वो एडिट स्क्रिप्ट में वो यहाँ मेन फंक्शन में जो मैसेज बॉक्स में पॉपअप होके हमको हेलो वर्ल्ड का आउटपुट होना चाहिए। तो मैं पहले मैसेज बॉक्स डॉट शो यहाँ DTS डॉट वेरिएबल्स और उसके अंदर वेरिएबल्स का जो हमें पास किया है यूजर का यूजर वेरिएबल सॉरी यूजर का जो है जो स्क्रिप्ट वेरिएबल वो पास कर रहे हैं डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। अभी जो जो हमें किया, मतलब ए स्क्रिप्ट वेरिएबल जो वेरिएबल में दिया है वो यहाँ एक्सेस करके हमको ये मैसेज बॉक्स में जो आएगा वो पॉपअप हो जाएगा। सो ओके हिट होके अभी ये ओके होने के बाद जो अभी हम स्टार्ट किया तो देखो अभी स्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड का देखो हेलो वर्ल्ड का हमका मैसेज बॉक्स में आउटपुट हो गया। तो ऐसा हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, ये एक मेथड है। और दूसरा जो है हमें पैरामीटर्स पास कैसे करते हैं, तो इसीलिए मैं फिर से न्यू SSIS पैकेज ले रहे हूँ। तो यहाँ मैं वो कंट्रोल फ्लो में क्या करना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट टास्क पैरामीटर्स जो है वो पैरामीटर्स में मैं यहाँ नया पैरामीटर ले रहा हूँ। तो ये पैरामीटर जो है मेरे पास वो क्या दे रहे हैं, मैं स्क्रिप्ट वेरिएबल के नाम से ही दे रहा हूँ यहाँ वेरिएबल, तो वो स्ट्रिंग होगा डेटा टाइप, और वैल्यू जो दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल ए पैरामीटर पासिंग। और उसके बाद कंट्रोल फ्लो में आया तो यहाँ मैं स्क्रिप्ट टास्क का ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो यहाँ डबल क्लिक करके जो अभी हमने देखा वो रीड ओनली वेरिएबल्स है, तो वो हमको रीड ओनली वेरिएबल्स क्या है वो सब हमारा यूजर का देखो ये स्क्रिप्ट वेरिएबल जो है हम टिक गया तो वो वेरिएबल हमको यहाँ आ गया। और मैं ये वेरिएबल का
एडिट स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, तो एडिट करके उसमें को कैसा ये पैरामीटर्स तो पास करेंगे वो सब आज हम में ये एडिट स्क्रिप्ट में कैसा करता है वो देखते हैं। यहाँ मेन में आया तो मैसेज बॉक्स, सेम मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो, डीटीएस डॉट वेरिएबल्स, तो पैकेज स्क्रिप्ट वेरिएबल का मैं पास कर रहा हूँ, तो डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। और देखो ऐसा हमें ये पैकेज का नाम और स्क्रिप्ट वेरिएबल का नाम ले लिया है, तो ये अभी मैं सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये पॉपअप विंडो में कैसा आता है देखेंगे। तो हिट ओके, अभी मैं ये रन किया तो आप देख सकते हैं, ये देखो हेलो वर्ल्ड का स्क्रिप्ट टास्क में आ गया। अभी मैं ये वीडियो में क्या बताया, स्क्रिप्ट टास्क में कैसा वेरिएबल्स पास करता है और कैसा पैरामीटर्स पास करते हैं वो सब आज मैं ये वीडियो में बताया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। थैंक यू।